बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी बायोलॉजी पार्ट फर्स्ट किंगडम प्लांटिंग हम कर रहे हैं। आज हमने क्लिक करनी है क्लास जिम्नोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं, हम कहते हैं ये सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ सीड प्लांट्स हैं। और वर्ल्ड फॉरेस्ट का तकरीबन ये 1/3 पार्ट जो है वो जिम्नोस्पर्मी प्लांट पे कंसिस्ट करता है। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स जो हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, जिसमें सीड्स तो प्रोड्यूस होते हैं लेकिन फ्रूट प्रोड्यूस नहीं होते। जिम्नोस्पर्मी लिटरली हम ये वर्ड जो यूज करते हैं, जिम्नो मीन नेकेड एंड स्पर्मा मीन द सीड, नेकेड सीडेड प्लांट, यानी कि ऐसे सीड्स जो कि किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर कवर नहीं होते, किसी फ्रूट के अंदर नहीं होते, इनको किसी किस्म की प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं होती, इस तरह के सीड्स को हम बोलते हैं नेकेड सीडेड प्लांट्स। इनमें जो ओव्यूल होता है ये फर्टिलाइज्ड लीव्स यानी कि मेगा स्पोरोफिल्स जो हैं उन पे प्रोड्यूस होते हैं। ओव्यूल जो हैं वो असल में मेगा स्पोरोफिल्स पे ये प्रोड्यूस होते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं होते। क्योंकि जिम्नोस्पर्म में हम कहते हैं कि जो सीड होते हैं वो कवर होते हैं किसी स्ट्रक्चर के अंदर ताकि उनकी प्रोटेक्शन हो सके, वो इनमें जो है वो इनक्लोज नहीं होते बल्कि फर्टाइल्ड लीव होते हैं ना, इन लीव्स को बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल, फर्टाइल लीव्स, उन लीव्स की सरफेस पे प्रोड्यूस होते हैं जिम्नोस्पर्म में, जबकि एंजियोस्पर्म में इनक्लोज होते हैं, फ्रूट के अंदर होते हैं। इनमें जो प्रोसेस होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का वो सेम होता है एज इन द फिलीसिनी। दे ये जो है हम कहते हैं ये इंडिपेंडेंट, इनमें डोमिनेंट स्पोरोफाइट जनरेशन होती है, यानी कि जो आपको प्लांट नजर आता है ना, पूरे का पूरा ट्री नजर आता है, वो असल में जिम्नोस्पर्म होते हैं, वो असल में इसकी स्पोरोफाइट जनरेशन होती है। और इनमें जो गैमेटोफाइट जनरेशन होती है वो लेस कॉन्स्पिकुअस और डिपेंडेंट गैमेटोफाइट होती है, यानी कि स्पोरोफाइट पर डिपेंड करती है और ज़्यादा वाजिया स्ट्रक्चर नहीं नजर आता इनका। फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो परमानेंटली रिटेन रहती है ओव्यूल के अंदर, और इसमें जो है दो काइंड्स के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, मेगा स्पोर्स, माइक्रो स्पोर्स जो कि मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं, और मेगा स्पोर्स जो कि मेगा स्पोरोफिल में कन्वर्ट होते हैं और मेगा गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं। मेगा स्पोरोफिल्स में जो ओव्यूल्स होते हैं वो फोल्डेड नहीं होते, यानी कि ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है मेगा स्पोरोफिल वो फोल्डिंग नहीं होती कि ताकि वो ओव्यूल, जिस तरह हम कहते हैं ना कि लीव होता है ना, जिस तरह ये लीव की फोल्डिंग ये असल में फोल्ड होती हैं और एक बंद स्ट्रक्चर बना देती हैं जिससे सीड जो अंदर प्रोड्यूस होता है। लेकिन मेगा स्पोरोफिल यानी कि फर्टाइल इसके जो लीव्स होते हैं उनके मार्जिन जो है वो फोल्ड नहीं होते। अगर वो फोल्ड हो जाएं तो फिर तो वो एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में आ जाएंगे ना। तो जिम्नोस्पर्म में जो मेगा स्पोरोफिल्स होते हैं इनमें ओव्यूल जो है वो मेगा स्पोरोफिल जो है वो इसमें ओव्यूल फोल्डेड नहीं होते, उसके मार्जिन जो है आपस में फोल्ड नहीं होते कि वो ओवरी बना सकें, इसीलिए इसके ओव्यूल जो हैं वो मेगा स्पोरोफिल की सरफेस पे ही प्रोड्यूस होते हैं। इसी वजह से सीड जो हैं, इसके जो सीड बनते हैं यानी कि इनके जो बीज हैं वो भी इन्हीं फर्टाइल लीव्स पे बनते हैं, मेगा स्पोरोफिल्स पे। इनमें बहुत से इंपॉर्टेंट जेनरा आ जाते हैं, साइकस जिसे सेगू पाम बोलते हैं, पाइनस, पाइन ट्रीज जो कि बॉटनी डिपार्टमेंट की आप लोग जो है वो लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं पाइन्स के ट्रीज, टैकस, यू, पाइसी, हेमलॉक जिसे बोलते हैं, सीड्रस, देवदार और जिंको, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट जेनरा हैं। इसका लाइफ साइकिल देखते हैं, पाइन जो है एक कॉनिफर्स ट्रीज होते हैं, इनमें जो मेन प्लांट बॉडी यानी कि पूरी का पूरा ट्री, लीव्स और जो आपको सारा स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है वो स्पोरोफाइट प्लांट होते हैं,
और इनमें इनमें जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं वो रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस होती है स्पोर मदर सेल्स में, स्पोरेंजिया के अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स होते हैं, स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होती है, मियोसिस के थ्रू जो है वो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। कोनिफर जो है वो हेट्रोस्पोरस होते हैं यानी कि दो किस्म के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स, और जिस स्ट्रक्चर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं दैट इज अ मेगास्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम जो है वो उसी रिस्पेक्टिव कोन के अंदर यानी कि इसमें मेल कोन होती है और फीमेल कोन होती है, एक ही प्लांट में दो किस्म की कोन्स बनती हैं, मेल कोन, मेल स्पोरेंजिया जिसे हम बोलेंगे, या फीमेल कोन। जो मेल कोन होती है वो स्मॉल साइज की होती है और क्लस्टर की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, जबकि ये मेल कोन जो है इसमें माइक्रो स्पोरोफिल्स होते हैं यानी कि ये फर्टाइल लीव्स होते हैं जिसके जिसके सरफेस पे माइक्रो स्पोरेंजिया बनता है और माइक्रोस्पोर जो हैं उसी सरफेस पे जर्मिनेट करते हैं और स्मॉल इनकॉन्सिपिकस जो है वो मेल गैमेटोफाइट यानी कि इसका स्ट्रक्चर में जो चेंजिंग आती है ना जर्मिनेशन के बाद, जर्मिनेट होने के बाद जो स्ट्रक्चर बन जाता है उसे बोलते हैं हम मेल गैमेटोफाइट और माइक्रो गैमेटोफाइट। और इसी तरह माइक्रोस्पोर जो हैं वो सीड प्लांट्स होते हैं जो कि माइक्रोगेमिटोफाइड, जिसमें गैमेट्स आ जाते हैं, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है गैमेट्स के अंदर। पोलन जो है वो लार्ज नंबर में यानी कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस होते हैं और ये जो है वाटर इनडिपेंडेंट होता है यानी कि वाटर पर डिपेंड नहीं करते डिस्पर्सल के लिए, बल्कि विंड के थ्रू जो है वो दूर दराज के एरिया तक पहुंच जाते हैं। पोलन ग्रेन में एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें दो विंग्स होते हैं यानी कि दो सेंटर में इसका पोलन प्रेजेंट होता है और दोनों साइड पे इसके विंग्स अटैच होते हैं, परों की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी वजह से इसका वेट जो है वो लाइट हो जाता है और इन्हीं विंग्स की वजह से पोलन ग्रेन जो है वो हवा में तैरते हैं और लॉन्ग टाइम तक पीरियड तक ये ट्रेवल करते हैं। तो जब बहुत सारे पोलन जो हैं एक ही टाइम में रिलीज होते हैं तो ऐसे लगता है जैसे येलो कलर के क्लाउड्स होते हैं आसमान पे, इतने ज़्यादा पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं और एयर में मूव कर रहे होते हैं विंड के थ्रू, तो वो एक येलो क्लाउड लग रहा होता है। जिम्नोस्पर्म में ये मैकेनिज्म सक्सेसफुली हम कहते हैं इवॉल्व हुआ है, कौन सा मैकेनिज्म, जिसमें मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट तक विंड के थ्रू जो है वो पास होते हैं और ये वाटर से इंडिपेंडेंट है यानी कि वाटर की जरूरत ही नहीं होती इनको, और ये हम कहते हैं एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है ताकि अगर हार्श किस्म का एनवायरनमेंट में टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी ये दूर जो है वो मूव करते हैं मेल गैमेटोफाइट टूवर्ड्स अ फीमेल गैमेटोफाइट और फर्टिलाइजेशन होती। उसके बाद आ जाता है कि मेल फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल कौन कैसे होती है, फीमेल कौन जो होती है वो लार्ज साइज की होती है, कौन से पीकस यानी कि वाज ऐसी नजर आती हैं आपको, और फीमेल कौन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ स्पाइरली अरेंज स्केल्स यानी कि स्पाइरल की फॉर्म में स्केल्स होते हैं इसमें, जिसे हम बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल्स, जो कि जो है वुड लकड़ी के लगते हैं, जैसे इसका स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा लगता है जैसे लकड़ी का स्ट्रक्चर है, उसी उसी की जो है बेस पे हर स्केल इसकी बेस पे जो है वो दो ओव्यूल बनते हैं, एक ओव्यूल जो है वो मेगास्पोरेंजियम जिसको ए प्रोटेक्शन जो होती है वो इंटेग्रीमेंट की होती है यानी कि कवरिंग जो होती है ना इसके ऊपर। फिर अभी स्ट्रक्चर देखते हैं, मेगास्पोरेंजियम में सिंगल डिप्लॉइड, एक मेगास्पोरेंजियम के अंदर डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल होता है, ये डिप्लोइड स्ट्रक्चर होता है, इसका मतलब इसमें भी मियोसिस होनी है, इसमें मियोटिकल ये डिवाइड करता है और इसमें फोर हैप्लोइड मेगास्पोर बनते हैं और मेगास्पोर जो है वो उनमें जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है यानी कि बाकी तीन डिसइंटीग्रेट खत्म हो जाते हैं, एक जो रह जाता है उसमें माइटोसिस होती है और माइटोसिस के जरिए जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट और पूरे एम्ब्रियो सैक बना देता है। एम्ब्रियो सैक के अंदर बहुत से एम्ब्रियो में बहुत से आर्चिगोनिया होते हैं और आर्चिगोनिया के अंदर
आठ सिगोनिया वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एग सेल प्रोड्यूस होना होता है। अब पोलिनेशन का प्रोसेस क्या होता है? पोलिनेशन में पोलन ग्रेन जो है वो डायरेक्टली ओव्यूल्स पे आके अटैच होते हैं, बहुत से पोलन ग्रेन जो है वो आके अटैच होते हैं, लेकिन इसमें जो कुछ ही जो है वो जर्मिनेट करते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसके जरिए ये मेल गैमेट जो है वो फीमेल एम्ब्रियो सैक में ट्रांसफर होते हैं, और उसके बाद जो है वो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन करते हैं। बहुत से एग जो है एक ही टाइम में फर्टिलाइज होते हैं और जाइगोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में। अब ये सीड जो है इसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है और स्टोर्ड फूड में प्रेजेंट होती है। ये सीड जब जर्मिनेट करता है दोबारा से जो नया प्लांट बनता है दैट इज अ स्पोरोफाइट प्लांट। इसमें डोमिनेंट डिप्लोइड स्पोरोफाइट जनरेशन होती है पाइनस में, और इनकॉन्सिपिकस हैप्लोइड गैमेटोफाइट जनरेशन होती है। ये इसकी डायग्राम देखते हैं। इसके लीव जो होते हैं पाइनस के नीडल लाइक लीव्स होते हैं, जिस तरह आपको देखे हैं इसके लीव नजर आ रहे हैं, नीडल लाइक लीव होते हैं। इसमें दो किस्म की, एक ही प्लांट पे दोनों किस्म के कोन प्रोड्यूस होती हैं, ये मेल कोन माइक्रो माइक्रोस्पोरोफिल और ये मेगा स्पोरोफिल है। इसमें से उन्होंने एक इतना सा स्ट्रक्चर निकाल कर दिखाया गया है, ये मेगास्पोरेंजियम है जिसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं, और मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होती है, मियोसिस के थ्रू जो है वो एग सेल प्रोड्यूस होते हैं, और ये यहाँ तक जो एग सेल की प्रोडक्शन होगी। उसके बाद यहाँ पे दूसरा दिखाया गया है, दिस इज द पोलन बेयरिंग कोन, ये जो है माइक्रोस्पोरोफिल है, इनमें मियोसिस होती है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, मियोसिस के थ्रू जो है वो इसके स्पोर प्रोड्यूस होते हैं टेट्राड की फॉर्म में। इसमें से पोलन ग्रेन जो है वो रिलीज होते हैं, और इस तरह ये जो है, ये जो आप लोगों का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कवरिंग लाइक जिस तरह यहाँ पे ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये असल में इंटेगमेंट है, और ये इसकी सरफेस पे ही, ये देखें ये स्ट्रक्चर जो है ना किसी बंद स्ट्रक्चर में नहीं है, बल्कि ये जो कोन है इसकी बेस पे यहाँ पर, यानी कि इसकी बेस पे जो है वो एग सेल जो है प्रोड्यूस होते हैं, और इसकी कवरिंग होती है ऊपर, ये वाली इनक्लोज स्ट्रक्चर नहीं होता, बस ये कवरिंग होती है, इसे इंटेगमेंट बोलते हैं। और यहाँ पे ये बताया गया इसकी फर्टिलाइजेशन आफ्टर द 15 मंथ ऑफ द पोलिनेशन, यानी कि एक दफा आके अटैच हो जाते हैं उसके 15 मंथ के बाद जो है प्रोसीजर बहुत ही स्लो होता है, 15 मंथ के बाद जो है वो इनकी आपस में फर्टिलाइजेशन होती है। और यहाँ पर जो है वो इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है एक पोलन ग्रेन का, नहीं ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है पोलन ग्रेन, एक्चुअली यहाँ पर दिखाया गया, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है ना, ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये विंग लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये जो स्ट्रक्चर है अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो सीड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब सीड जो है ये सेंटर में सीड दिखाया गया है, ये विंग है और ये स्केल लाइक स्ट्रक्चर है, और आपको ये कोन इस फॉर्म में नजर आती है मिच्योर सीड कोन, इन कोन के अंदर जो है वो सीड प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि इनकी बेस पे होते हैं, किसी बंद स्ट्रक्चर नहीं होते, और एक सीड आपको इस फॉर्म में नजर आता है। ये दोबारा से जब इसकी सोइंग करते हैं तो ये सीडलिंग, इस तरह की सीडलिंग प्रोड्यूस होती है, और दोबारा से ये जनरेशन। अब इस पूरे स्ट्रक्चर में देखें स्पोरोफाइट कहाँ पे और गैमेटोफाइट जनरेशन कहाँ पे, ये जो प्लांट पूरे का पूरा ट्री है ना आपको, ये असल में इसकी स्पोरोफाइट जनरेशन है, जबकि जब हमने स्पोरोफाइट की इसकी ब्रायोफाइट्स की स्टडी की थी तो उसमें हमें सारा का सारा स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा था वो क्या था, गैमेटोफाइट, उसमें गैमेटोफाइट डोमिनेंट थी, इसमें डोमिनेंट स्ट्रक्चर जो है वो स्पोरोफाइट है, ये लीव्स की फॉर्मेशन, मेगास्पोरेंजियम, ये मेगास्पोरोफिल जिसके अंदर मेगास्पोरेंजियम बनते हैं, मियोसिस होती है, यहाँ तक का प्रोसीजर जो है ये सारे का सारा जो है वो स्पोरोफाइट जनरेशन है। जब मियोसिस के बाद ये माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, मेगास्पोर्स बनते हैं, जब ये जर्मिनेट करते हैं और ये एग सेल और एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बनता है, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाते हैं मेल और फीमेल गैमेटोफाइट में, यानी कि ये इतना डोमिन, ये सारा स्ट्रक्चर जो इसके अंदर हो रहा है, यानी कि इसी ट्री के ऊपर इन्हीं कॉन्स के अंदर जो चेंजिंग आ रही है, इसी वजह से हम कहते हैं कि गैमेटोफाइट जो है वो
इन कौन सी पीकोस होती है, और जो है डोमिनेंट स्ट्रक्चर जो है वो स्पोरोफाइट नजर आता है। तो इतना स्ट्रक्चर जो है वो गैमेटोफाइट का होता है, वो भी फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर दोबारा से आपको जो जनरेशन नजर आती है वो सारी की सारी स्पोरोफाइट जनरेशन होती है।